प्रीवियस वीडियो कंप्लीटेड लिस्ट ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 and 6 and 7। हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 and 7 में काउंटिंग एंड क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने बिफोर नंबर है वो कंप्लीट किए थे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट कम आफ्टर नंबर एंड क्वेश्चन नंबर 9 में बिटवीन नंबर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में बिफोर नंबर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट बिफोर नंबर जब आपको कोई ब्लैंक दी हो एंड फिर आपको नंबर दिया हो तो आपको इसके पहले का नंबर जो आता है वो लिखना होता है। जैसे कि 2 के पहले क्या आता है, 1 आता है। तो 2 के पहले 1 आता है तो ये कौन सा नंबर हुआ, बिफोर नंबर। कौन सा नंबर हुआ, बिफोर नंबर हुआ। और अगर इसके बाद जो नंबर आता है, जैसे कि 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 नंबर आता है, 3 नंबर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आफ्टर नंबर बोलते हैं। तो ये बिफोर एंड आफ्टर नंबर। तो जब पहले स्पेस दी हो यानी कि ब्लैंक दी हो तो हमें उधर उसका बिफोर नंबर लिखना है एंड नंबर के बाद अगर ब्लैंक दी हो तो उसका आफ्टर नंबर लिखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट कम आफ्टर 1 हैज बीन डन एन एग्जांपल। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करना है आफ्टर नंबर। बिफोर नंबर हम लोग सीख चुके थे एंड क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट कम आफ्टर। व्हाट कम आफ्टर One has been done an example। तो A नंबर में आपको दिया गया है example है और उसके साथ उसका answer भी दिया गया है। A नंबर में दिया है 4 and 5। आपको आफ्टर नंबर करने हैं तो आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया है एंड आंसर भी दिया है। तो 4 and 5 दिए हैं एंड तो नेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, तो हमें 5 के बाद जो नंबर आता है 6। 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 6। तो वो कौन सा नंबर हुआ, आफ्टर नंबर। जैसे कि हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 1 से 10 नंबर लिखे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बी नंबर में 7 and 8। बी नंबर में आपको दिया है 7 and 8 दिया है। तो नेक्स्ट 7 के बाद यानी कि आपको इधर सर आप लाइन चेक कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आता है तो इधर लाइन दी हुई है 1 to 10। तो इधर आपको दिया है 7 नंबर। कौन सा नंबर है, 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, यस 7 के बाद आता है 8। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आफ्टर नंबर। इसे हम क्या बोलते हैं, आफ्टर नंबर। तो आपको दिया है 7 8। तो आपको लिखना है 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, आपको दिया है 8 नंबर दिया है। 8 के बाद आपको जो नंबर आता है उसका आंसर है वो बॉक्स में लिखना है। तो 7 नंबर है, 7 के बाद 8 है, तो 8 के बाद कौन सा नंबर आया, 9। तो हम बॉक्स में कौन सा नंबर लिखेंगे, तो इधर 7 है, 8 है, 8 के बाद आता है 9। तो हमें इधर लिखना है 9। आंसर क्या आएगा इसका, 9 आएगा। तो इस 7 के बाद जो नंबर आया 8 के बाद आया 9, उसे हम बोलेंगे आफ्टर नंबर। तो हम लोगों ने 8 के बाद जो नंबर आया 9 वो हमने लिखा आफ्टर नंबर, यानी कि 9 है वो कौन सा नंबर है, आफ्टर नंबर हुआ। नेक्स्ट आपको दिया है 1 and 2। 1 and 2 तो 2 के बाद यानी कि 2 के बाद आफ्टर नंबर कौन सा आता है, व्हाट कम आफ्टर नंबर इन 2। तो 2 के बाद आता है 3। 2 के बाद कौन सा नंबर आया, 3 आया। तो हम इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, तो 2 के बाद कौन सा नंबर है, 3। तो हम लिखेंगे इधर
बॉक्स में लिखेंगे 3। तो 2 के बाद 3 नंबर आया, तो 3 है वो क्या हुआ, आफ्टर नंबर हुआ। नेक्स्ट आपको दिया है डी नंबर। नेक्स्ट कौन सा है, डी नंबर है। डी नंबर में आपको दिया है 5 और 6। नेक्स्ट दिया है 5 और 6। तो इधर 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसा नंबर दिए हैं। तो आपको किसके बाद लिखना है, आपका नंबर 6 के बाद। तो आप चेक कर सकते हैं कि इधर 5 है, फिर 6 दिया है, 6 के बाद कौन सा नंबर आया, 7 नंबर आया। तो 7 नंबर है वो क्या हुआ, आफ्टर नंबर हुआ। तो हम बॉक्स में कौन सा नंबर लिखेंगे, 7 नंबर, क्योंकि 6 के बाद जो नंबर आता है 7, वो हम इधर लिखेंगे 7 नंबर। तो 6 के बाद नंबर आया 7, वो है आफ्टर नंबर। आपको जो नंबर दिया गया है उसके बाद ही आपको लिखना है कि कौन सा नंबर आएगा। नेक्स्ट है ई नंबर। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, ई नंबर। नेक्स्ट आपको दिया है ई नंबर में आपको दिया है 3 और 4। नेक्स्ट नंबर में क्या दिया है, 3 और 4 नंबर। तो इधर आपको 3, 4, 5 और 6 दिए हैं। तो 4 के बाद आपको चेक करना है कि 4 के बाद आपको जो बॉक्स दिया है वो ब्लैंक है। तो 4 नंबर के बाद आफ्टर नंबर कौन सा आता है, 4 के बाद आफ्टर नंबर आता है 5। तो 4 के बाद हम क्या लिखेंगे, इधर 5 लिखेंगे। तो हमें लिखना है 5। जो हम नंबर लिख रहे हैं वो है आफ्टर नंबर, ई के बाद आता है एफ। एफ नंबर में आपको दिया है 6 और 7। तो 6 और 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद आता है 8। तो हम बॉक्स में कौन सा नंबर लिखेंगे, 8 नंबर लिखेंगे। तो आफ्टर नंबर कौन सा आएगा, 7 के बाद आएगा 8। नेक्स्ट है जी नंबर। जी नंबर में आपको दिया है 2 और 3। कौन सा नंबर दिया है, 2 और 3। तो 2 और 3 के बाद, तो 1, 1, 2, 3 और 4 कौन सा नंबर आया, 3 के बाद आया, 3 के बाद आया 4 नंबर। तो हम इधर लिखेंगे 3 के बाद 4, 4 है वो कौन सा नंबर हुआ, आफ्टर नंबर हुआ। तो हम लिखेंगे इधर 4। एंड नेक्स्ट नंबर है H। नेक्स्ट नंबर है H। H में आपको दिया है 8 और 9। तो इधर आपको दिए गए हैं नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। और आपको चेक करना है बॉक्स में कि आपको 8 दिया है, 8 के बाद 9 दिया है, 9 के बाद जो बॉक्स दिया है वो ब्लैंक है। तो 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आप इस लाइन में चेक कर सकते हैं कि 9 के बाद 10 नंबर आता है। तो ये 10 नंबर है वो क्या हुआ, आफ्टर नंबर हुआ। क्या हुआ, आफ्टर नंबर। तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे, इधर 1, 0, 10। तो ये आपको आपकी मैथ्स की जो टर्म बुक है पेज नंबर 72 में कंप्लीट करना है, पेज नंबर 72 में कंप्लीट करना है, जो आपको इधर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में।
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने बिफोर नंबर एंड क्वेश्चन नंबर 8 में आफ्टर नंबर है वो सीखे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया गया है, व्हाट कम इन बिटवीन, यानी कि आपको बिटवीन नंबर करने हैं, कौन से नंबर करने हैं, व्हाट कम इन बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कम इन बिटवीन। बिटवीन यानी कि आपको लिखना है बिटवीन नंबर। तो फर्स्ट नंबर में आपको ए नंबर में दिया है, एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल में आंसर भी दिया है, पर 3 और 5 ऐसे नंबर दिया है, 3 और 5 नंबर दिया है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे 1 से 10 की लाइन, 1, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 and 10। तो फर्स्ट हम 1 से 10 की लाइन में चेक करेंगे कि बिटवीन नंबर हम किसे बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 3 और 5, तो आपको इधर जो बीच का जो बॉक्स दिया है इसमें आपको 3 और 5 ये आपको दिया है, 3 और 5 नंबर, 3 इसमें 3 नंबर भी दिया है एंड 5 नंबर भी दिया है। ओके, तो इनके बीच में जो नंबर आता है, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आया, 4 नंबर आया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बिटवीन नंबर। बिटवीन नंबर कौन सा नंबर है, 3 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आया, सॉरी 3 और 5 के बीच में आया है 4 नंबर, जिस पर मैंने बॉक्स किया है 4 नंबर। तो इधर हम बॉक्स में कौन सा नंबर लिखेंगे, तो 3 और 5 के बीच में है 4 नंबर, जिसे हम बोलते हैं बिटवीन नंबर। तो हमें बॉक्स में लिखना है 4, जिसे हम बोलते हैं बिटवीन नंबर। तो वैसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, 8 और 9 दिया है बी नंबर में। बी नंबर में 8 और 10, 8 और 10 दिया है, कौन सा नंबर दिया है, 8 और 10। तो आपको इधर फर्स्ट दिया है 8, ये 8 है एंड फिर आपको दिया है 10 दिया है। तो 8 और 9 के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आया, 8 और 9 के बीच में, 8 और 10 के बीच में आया 9 नंबर। तो ये जो 9 नंबर आपको दिया है उसको हम क्या बोलेंगे, यस उसको हम बोलेंगे बिटवीन नंबर, जो आपको इधर बॉक्स में फिल करना है। तो 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर आया, 9 नंबर है, तो हम इधर लिखेंगे 9। तो 9 है वो कौन सा नंबर हुआ, बिटवीन नंबर हुआ। वैसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है, सी नंबर। सी नंबर में क्या दिया है आपको, सी नंबर में आपको दिया है 1 और 3। तो इधर 1 और 3 नंबर दिए हैं, तो इसमें से आपको कौन सा आंसर आएगा, इधर बिटवीन नंबर कौन सा आएगा, तो इधर आपको 3 दिया है, क्या है, 3, 1 और 2, 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर है, 2 नंबर है। तो इधर जो ये नंबर है वो क्या है, बिटवीन नंबर। तो आप चेक कर सकते हैं कि 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आया, 2 नंबर। तो हम बॉक्स में इधर कौन सा नंबर लिखेंगे, 2 नंबर लिखेंगे। तो ये कौन सा नंबर हुआ, बिटवीन नंबर हुआ। नेक्स्ट दिया है डी नंबर, डी नंबर में है 6 और 8। तो 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो 6 और 8 के बीच में आता है 7 नंबर। ओके, तो 7 नंबर कौन सा नंबर हुआ, बिटवीन नंबर हुआ। नेक्स्ट है ई नंबर,
ए नंबर में दिया है जीरो एंड टू, जीरो एंड टू, तो जीरो एंड टू के बीच में कौन सा नंबर आता है? यस वन नंबर आता है, तो वन नंबर है वो कौन सा है? बिटवीन नंबर है। नेक्स्ट दिया है एफ नंबर, एफ नंबर में आपको दिया है फोर एंड सिक्स, फोर एंड सिक्स, तो फोर नंबर, फाइव नंबर, सिक्स नंबर एंड सेवन नंबर, तो आपको फर्स्ट नंबर चेक करना है कि फोर नंबर है एंड सिक्स नंबर है। ओके, तो इधर फोर नंबर दिया है यस, और इधर सिक्स नंबर दिया है, तो फोर एंड सिक्स इधर बॉक्स है वो खाली है, आपको फिल करना है राइट आंसर, तो कौन सा नंबर आएगा? यस फाइव आएगा, तो फाइव है वो कौन सा नंबर हुआ? बिटवीन नंबर हुआ, तो आपको फाइव है वो बॉक्स में फिल करना है क्योंकि वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी नंबर, जी नंबर में दिया है सेवन एंड नाइन, सेवन एंड नाइन, इसका आंसर क्या आएगा? सेवन एंड नाइन आपको दिया है, तो आप लिख सकते हैं कि सेवन एंड नाइन के बीच में मैं इधर लिख रही हूँ सेवन एट एंड नाइन, तो सेवन एंड नाइन के बीच में आता है एट नंबर, तो एट नंबर है वो हमें बॉक्स में लिखना है, तो एट नंबर को हम क्या बोलेंगे? आफ्टर नंबर, सॉरी बिटवीन नंबर बोलेंगे, और इसके पहले एट के पहले आया उसे क्या बोलेंगे? बिफोर नंबर, और एट के बाद आया उसे हम क्या बोलेंगे? आफ्टर नंबर, और इन दोनों के सेवन और नाइन के बीच में जो नंबर आता है उसे हम बोलते हैं बिटवीन नंबर। नेक्स्ट है एच नंबर, एच नंबर में आपको दिया है टू एंड फोर, टू एंड फोर, तो टू एंड फोर कौन सा नंबर है? टू थ्री एंड फोर, तो टू फर्स्ट टू नंबर है, फिर बॉक्स खाली है, फिर आपको फोर नंबर दिया है, तो आपको कौन सा नंबर फिल करना है उसमें? थ्री नंबर, क्योंकि थ्री नंबर है वो कौन सा नंबर है? बिटवीन नंबर है, इसलिए हम लिखेंगे थ्री। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या सीखा? क्वेश्चन नंबर नाइन में हम लोगों ने बिटवीन नंबर सीखा, और क्वेश्चन नंबर एट में क्या सीखा था? आफ्टर नंबर। तो क्वेश्चन नंबर नाइन में बिटवीन नंबर में हम लोगों ने थ्री एंड फोर, थ्री एंड फाइव नंबर दिया था, तो हमने उसका जो बिटवीन नंबर कौन सा लिखा? फोर लिखा, तो कौन सा नंबर आता है? फोर आता है, तो हमने फोर लिखा, तो फोर है वो क्या हुआ? बिटवीन नंबर है। अगर आपको इससे पहले का नंबर दिया होता तो आप क्या लिखते? थ्री लिखते, और तो उसे हम क्या बोलते? बिफोर नंबर। और उसके बाद अगर आपको फोर के बाद अगर बोला होता कि फोर के बाद आपको कौन सा नंबर आता है तो हम लिखेंगे फाइव, तो जिसे हम बोलते हैं आफ्टर नंबर। तो स्टूडेंट ये आपको पेज नंबर 72 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर नाइन, वो कंप्लीट करना है। इधर आपका लेसन नंबर वन, नंबर जीरो टू टेन डिविजन है वो फर्स्ट लेसन है, वो कंप्लीट होता है। हम लोगों ने लेसन नंबर वन में जीरो टू टेन नंबर एंड नंबर नेम, जीरो टू टेन काउंटिंग, बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर एंड बिटवीन नंबर है वो हम लोगों ने सीखा। तो लेसन नंबर वन है वो अभी कंप्लीट होता है, बट अभी हम स्टार्ट करेंगे नंबर नेम।
नंबर एंड नंबर नेम। जो आपको मैथ्स बुक में कंप्लीट करने हैं, आपको ये जो नंबर्स में लिख रही हूँ बोर्ड पे, वो आपको मैथ्स बुक में कंप्लीट करने हैं, यानी कि बॉक्स वाली बुक में 11 to 20। कौन से नंबर है? 11 to 20। तो फर्स्ट नंबर है 11। 0 to 10 है वो हमने कंप्लीट किए थे, हम अभी इधर 11 से लेके 20 तक है वो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है 11। 11 का स्पेलिंग क्या आता है? 11 का स्पेलिंग आता है ELEVEN। 11 का स्पेलिंग क्या आता है? ELEVEN। 11। नेक्स्ट कौन सा है? 12 नंबर। तो 12 का स्पेलिंग क्या आता है? 12 का स्पेलिंग है TWELVE। TWELVE। 12। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 13।
E-I-G-H-T-E-N 18. Next है 19. 19 का स्पेलिंग क्या आता है? N-I-N-E-T-E-E-N 19. नेक्स्ट है 90 का स्पेलिंग मैंने इधर लिखा है, 20 का स्पेलिंग मैं इधर लिख रही हूँ. 20 का स्पेलिंग क्या आता है? 20 का स्पेलिंग है T-W-E-N-T-Y. 20. तो मैंने इधर 11 से लेके 20 तक स्पेलिंग है वो लिखे हैं, बट ये स्पेलिंग आपको आपकी मैथ्स बुक में कंप्लीट करने हैं, वो भी वन टाइम. तो 16 नंबर है, 16 का स्पेलिंग है S-I-X-T-E-E-N 16. नेक्स्ट है 17. 17 का स्पेलिंग क्या है? तो S-E-V-E-N-T-E-E-N 17. नेक्स्ट है 18. 18 का स्पेलिंग क्या है? तो E-I-G H-T-E-E-N 18. नेक्स्ट है 19. 19 का स्पेलिंग क्या है? N-I-N 90 का स्पेलिंग है N-I-N-E-T-E-E-N N-I-N-E-T-E-E-N 19. And next है 20, T-W-E-N-T-Y 20. तो हम लोगों ने 11 से 20 यानी कि 0 से लेके हम लोगों ने 20 तक नंबर एंड नंबर नेम है वो कंप्लीट किए हैं, जो आपको आपके मैथ्स बुक में कंप्लीट कर लेना है. होमवर्क में आपको नंबर 11 to 20 नंबर एंड नंबर नेम यानी कि स्पेलिंग 11 to 20. अगर 11 to 20 नंबर एंड नंबर नेम, नंबर भी लिखने हैं एंड नंबर नेम यानी कि उसके स्पेलिंग है वो लिखने हैं. राइट इन मैथ्स बुक वन टाइम. ये होमवर्क है वो आपको मैथ्स बुक में करना है, सिर्फ 11 से 20 के स्पेलिंग करने हैं. एंड जो एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवाई है आज पेज नंबर 72 पे, वो आपको मैथ्स की टर्म बुक में कंप्लीट कर लेना है. और ये 11 टू 20 नंबर्स एंड नंबर नेम यानी कि स्पेलिंग
राइट इन मैथ्स बुक 110। ये होमवर्क है वो आपको मैथ्स बुक में कंप्लीट करना है। नाउ थैंक यू। We'll be right back.